दोस्तों, आप लोगों को मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। आज ऐसे एक कंप्लेन आया है कि एक गैस चूल्हा है जिसमें आप देख रहे हैं बर्नर। इन लोगों ने कहा था कि बर्नर लोग चेंज किए हैं लेकिन फिर भी उनका आग सही नहीं है। और है क्या प्रॉब्लम, ये बर्नर इनका रिप्लेस किया गया है। ठीक है, आप दिखा ले रहा हूँ पहले ये है कैसे। तो इनका कंप्लेन क्या है, ये है ऑटो इग्निशन है, सूर्या क्रिस्टल कंपनी का, ISO सर्टिफाइड है। अच्छा, हैवी थोड़ा महंगा टाइप का है। चलो फिर देखते हैं ऑटो कैसे काम करता है। आप देख रहे हैं इसका, आप देख सकते होंगे इसके आग में जो है एक स्टेबिलिटी नहीं है। देखिए, धक 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 कर रहा है। शायद आप तक आवाज नहीं आ रहा होगा, लेकिन देख रहे हैं, देख रहे हैं फ्लेम। देखिए नीचे बाहर का फ्लेम सब ठीक है, लेकिन बीच का जो फ्लेम सब है वो ठीक नहीं चल रहा है। तो फ्लेम इसके इसमें होता क्या है, अगर इस तरह का चले तो इसके नीचे से आग आ जाता है। कस्टमर कहना है इसके नीचे आग आ जाता है। ये हम लोग हर घर में इस तरह का कंप्लेन है, लेकिन ये बहुत डेंजरस कंप्लेन है। ये काफ़ी मैकेनिक को दिखा चुका, फ्लेम देखिए बारीकी से देखिए, आपको फ्लेम स्टेबल नहीं है। तो ये कंप्लेन काफ़ी हद तक डेंजरस है। आप इसका आग देखिए अंदर की ओर, यहाँ देखिएगा ये जगह में, इस जगह से आग निकल रहा है। देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ गौर कीजिए, देखिए ये देखिए नीचे देख रहे, इसको चेंज हुआ है। ये था ओरिजिनल, इसकी जगह में ये चेंज हुआ है, लेकिन अब ये भी नहीं बैठ रहा है, ये भी नहीं बैठ रहा है, इसके नीचे से आग निकल रहा है। तो इसको किस तरह हम रेक्टिफाई करेंगे, उसके पहले बर्नर खोलते के हैं। ऑटो इग्निशन है, इसे माचिस मारने की जरूरत नहीं रहती है। तो इसका जो फ्लेम है वो सही नहीं है, इसका कई बार इसका बर्नर चेंज हो चुका है। जो किस तरह कस्टमर ने मुझे बताया कि तो बर्नर अभी इसका ओरिजिनल बर्नर भी मुझे नहीं मिला। जब तक ओरिजिनल बर्नर नहीं मिलेगा तो ये इस तरह नहीं बैठेगा। आप देख लीजिए सर, किस निकाला जाता है, बहुत सिंपल है। तो मेन पार्ट निकल चुका है वाला, देख रहे हैं अभी इसमें हमें ये जो है प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम यहाँ से आ रहा है। ये देख रहे होंगे ग्रुप, एक ग्रुप कटिंग है, तो ये ग्रुप में फिर जाके बैठता है इस तरह। देखिए पीछे से देख लीजिए, ये देख, ये जो है इसमें गैप बन रहा है। तो क्या होता क्या है इसका मैकेनिकल प्रॉब्लम, ये चीज़ अच्छा है, ये ओरिजिनल है, कास्ट आयरन है, बहुत ओरिजिनल, इतना भारी वाला मिलेगा भी। यहाँ से गैस गया, इधर से गैस आता है, यहाँ से निकल के ये ऑक्सीजन से कांटेक्ट होता है इधर और फायर होता है। तो क्या होता है कि ये गैस यहाँ से लीक हो जाता है, जब यहाँ से लीक होता है तो यहाँ का जो ऑक्सीजन है यहाँ से फायर हो जाता है, तो ये आग नीचे निकल जाता है दम से है? इसको ठीक करना है। कई बार लेके लगा चुका हूँ, ये मिलता नहीं है, इसका सेटिंग नहीं मिलता। एक और एक है पीस दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, ये देखिए ये इसका ओरिजिनल बोल के दिया, ये बैठ जाता है, देखिए ये ठीक बैठता है, लेकिन इसका पूरा यहाँ से बर्बाद है, ये हवा यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो हम इसको ठीक करेंगे। इसके लिए जुगाड़ ये है, आप देख सकते हैं, इसे एक डिब्बा लीजिएगा, ठीक है, डिब्बा का एक प्लेट, इसको इसी तरह काटिएगा स्ट्रिप। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए मैंने इसको इस तरह फिट कर चुका हूँ, देख रहे हैं इसके नीचे एक पैकिंग, देख रहे हैं आप किस तरह इसको पैकिंग कर दिया गया है। ये इतना बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन थोड़ा मेहनत लगता है पैकिंग थोड़ा बैठाने के लिए, तो आप लोग भी इस तरह पूरा पैकिंग बैठा दीजिएगा। तो क्या हुआ, नीचे से सील हो गया, अब ऊपर से भी लग गया है, अब इसको हम लोग को बैठाना है। ठीक है, जानते हैं कि आप जिस तरह मेरा समय कीमती है, आप लोगों का भी समय बहुत ही कीमती है, इसलिए लेकिन कुछ तो पाने के लिए समय तो देना पड़ेगा। तो अब तक जिसने भी मेरे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि आप मुझे बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसे लग रहा है, कि कोई
इसमें से आपको सीखने के लिए कुछ मिला नया, जो भी मैकेनिक जो है जो या घर के घर में जो भी है जो थोड़ा बहुत काम करना जानते हैं, तो उनके लिए 100% कुछ ना कुछ पास है। क्योंकि हमेशा ये प्रॉब्लम आती रहती है कि आग नीचे निकल जाना, इसका मेन रीज़न है यही कि बर्नर यहाँ पर गैप रहता है, नीचे से इसको ऑक्सीजन मिल जाता है तो फायर नीचे हो जाता है। बहुत ही डेंजर हो ऐसा हम इतना आसान में नहीं ले सकते, इसीलिए कस्टमर ने खास करके बोला कि कई जगह में इसको रिपेयर कर चुका है। तो मैंने देखा इसका जो बर्नर है वो 250 रुपया का, तो ये पूरा सेट चेंज करेंगे तो ओरिजिनल मिलेगा नहीं। तो चलो इसी को हम 100% गारंटी के साथ बनाएंगे, इसीलिए हमने बनाया इसको। ये सेटिंग है, देख रहे हैं आप, ऑटो इग्निशन का पॉइंट है, यहाँ से फायर होता है। ठीक है, चलो मैं इसको उल्टा देता हूँ, उसके बाद इसको आपको चला के आपके सामने में दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ ये कैसा हुआ। कोई टेक रिटेक कुछ भी नहीं होगा, आपको मालूम चल जाएगा कि कितना बेहतरीन तरीके से काम हो। क्योंकि नया वो सिंपल जुगाड़ है, देखिए डिब्बा जो हम लोग फेंक देते हैं इसी डिब्बा से ही काट के उसका गैसकेट बनाया गया, और कुछ नहीं। गैस चालू नहीं था, अब देखिए कितना मस्त फ्लेम आ रहा है। पहले जो फ्लेम था उसके अंदर से मैं दिखा दूँ, अब देखिए अंदर देखिए बिल्कुल भी आग नीचे नहीं जा रहा है, देख रहे हैं पूरा ब्लू फ्लेम है, नीचे बिल्कुल भी आग नहीं जा रहा है। अब एक बर्तन रख के हम दिखाते हैं। मैडम एक इसको यूज कर सकते हैं ना? ठीक, देख लेते हैं। देखिए पहले एक आवाज आता था भट भट का, अभी बिल्कुल नहीं है, देख लीजिए। अब मैं नीचे से ऊपर झुका के दिखा दे रहा हूं, एकदम परफेक्ट फ्लेम, कोई गड़बड़ी नहीं। तो इस तरह काफी पैसा बचाया है। चलिए आप लोग के लिए इस वीडियो एक अच्छे जानकारी की तरफ से आप यूज कीजिए, अगर अपने घर में हो अपने कस्टमर का हो तो आप इस तरह रिपेयर करके उनको दे सकते हैं। चलो जिस भाई लोग ने मेरा वीडियो अभी तक देखा है फटाफट लाइक और कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ तो हमको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि आगे इस तरह का अच्छा अच्छा वीडियो बना सकूँ। चलिए दोस्तों फिर और एक वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।